हिमालय की दिव्य वनस्पतियाँ, हिमालयी क्षेत्र में जो पाई जाने वाली औषधियाँ हैं उनके संदर्भ में हम बता रहे हैं आपको। आज हम आपके साथ खड़े हैं एक और दिव्य औषधीय क्षुप के साथ, इस पौधे के साथ। यह एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर पौधा है। इसका नाम है निर्गुंडी। इसका बॉटनिकल नाम है वाइटेक्स निगुंडो। वाइटेक्स निगुंडो को हम बंगाली में सनवार बोलते हैं और इधर उत्तराखंड इस क्षेत्र में म्हाड़ा बोलते हैं, गुजराती में नगोर बोलते हैं और मराठी में इसको बोलते हैं निगाड़ या निगुंडी। इस निगुंडी का पौधा वास्तव में अमृत है, जो पूरे भारतवर्ष में सर्वत्र पाया जाता है और परंपरागत रूप से इसका कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में किसी न किसी रोग में प्रयोग किया जाता है। यह बहुत ही एक अमृतदायी औषधि है। आपको दांत की परेशानी है, मुंह में परेशानी है, मुंह के छाले हैं, सिर्फ इन पत्तों को उबाल करके गरारे करने मात्र से, कुल्ला करने मात्र से भी आपका जो गला है वह ठीक हो जाएगा और गले की खराश और मुख की बदबू, मुख के दुर्गंध के लिए भी यह एक बहुत ही अच्छी औषधि है। इसको आप उबाल करके गरारे कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिन माताओं बहनों को बहुत पीड़ा होती है पीरियड के समय पर, उस पीड़ा को दूर करने के लिए आप इसके काढ़ा को बना करके पिएं। इस काढ़े को बनाने की जो विधि है उसकी विधि यही है कि आप इसकी 4-5 पत्तियां ले लें, इसकी हरी ताज़ी पत्तियों को ले जा करके छाया में सुखा करके घर में रख लें। 4-5 पत्तियों को आप लगभग 600 ग्राम पानी में उबालें, इतना उबालें, इतना पकाएं कि लगभग 150 ग्राम के लगभग बचे, उसको छान करके चाय की तरह से आप प्रातः सायं इसको कुछ दिन तक नियमित रूप से पिएं। और जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है उन माताओं, उन बहनों के लिए इस निर्गुंडे के बीजों को पीस करके लगभग 2-2 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम ले लें, इसके काढ़ा को पी लें, तो निश्चित रूप से 100% उस बीमारी से आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। मैं हमारी माताएं और बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप देखेंगे आपको पीरियड के समय होने वाली परेशानी से परेशान नहीं होना पड़ेगा। उस कष्ट साध्य, असाध्य, उस भयानक पीड़ा से आपको हमेशा हमेशा के लिए यह निर्गुंडी का पौधा आपको मुक्ति दिलाएगा। इसीलिए आप इसको अपने घर में, अपने गमले में ज़रूर लगाना। यह बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही प्रभावशाली औषधि है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको बैठे बैठे हमेशा कमर में दर्द बनी रहती है, ज़्यादा देर खड़े रहते हैं तो कमर में दर्द बनी रहती है, ना वो बैठ पाते हैं ज़्यादा देर, ना वो लोग खड़े हो पाते हैं। और मेरी माताएं और बहनें घर में काम करती हैं, ऑफिस में काम करती हैं, तो बड़ी परेशानी होती है। लोग पेन किलर लेते हैं, दर्द की गोलियाँ खाते हैं, जो आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। तो उसकी जगह पर यदि आप इस निर्गुंडे के क्वाथ का सेवन करें, कुछ दिन नियमित रूप से सेवन करने से हमेशा हमेशा के लिए आपको मुक्ति मिल जाएगी कमर के दर्द से। यह कमर दर्द के लिए भी एक बहुत ही अमृतमय दिव्य औषधि है। आप इसके द्वारा अपनी कमर के दर्द से मुक्ति पा सकते हैं। जिनको गंडमाला है, गॉटर बढ़ा हुआ है, या कभी कभी आपने देखा होगा बच्चों का जो टॉन्सिल है साइड में बढ़ जाता है और काफ़ी परेशानी होती है, चिकित्सक के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि इसका ऑपरेशन कराइए, और हमने देखा है कि यदि टॉन्सिल निकाल दिया जाता है तो उससे बच्चों के हाइट वगैरह पर भी फ़र्क पड़ता है और स्वर यंत्र पर भी फ़र्क पड़ता है, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। जिनको गंडमाला है, गॉटर बढ़ा हुआ है, या कितनी भी भयानक टॉन्सिल की परेशानी है, तो आप समझ लें कि इसके पत्तों को उबाल करके नियमित रूप से बच्चे को सुबह शाम गरारे कराएं, और साथ में ये निर्गुंडी की जो जड़ है उसकी जड़ के छिलके को पीस करके और उससे बाहर लेप लगाएं। नियमित रूप से लेप लगाने से वो कितने भी भयानक तरह का टॉन्सिल है, चाहे कैसा भी अंदर स्वेलिंग है, वो दोनों ही चीज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। बहुत ही अच्छा प्रयोग है। तो इसके पत्तों को और इसके जड़ों को आप अपने टॉन्सिल रोग से, अपने बच्चों को जो परेशानी है, टॉन्सिल की बीमारी है, या आपके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति पीड़ित है, उसको आप निर्भयता से इसका प्रयोग बता सकते हैं।
क्योंकि यह बिल्कुल निरापद प्रयोग है, यह हानि रहित प्रयोग है, इसमें किसी भी तरह की कोई हानि नहीं है, इसीलिए आप जरूर इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जिसको जुकाम रहता है, बार बार जुकाम वाले जानते हैं कि बार बार परेशानी होती है, सर्दी जुकाम होता है, यह विशेष करके आजकल धूल से, धुआं से और आजकल की जो विकृत खानपान की वजह से हमेशा हम महसूस करते हैं कि आदमी को सर्दी जुकाम नज़ला और ज़मीन में पैर बाद में रखते हैं, छींकें पहले शुरू हो जाती है। पहले तो हम उठ करके सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करते थे और आज हम उठ करके धरती माता को सबसे पहले छींकते हैं। और हमारे यहाँ तो प्राचीन काल में छींकना तो अशुभ माना जाता था और अब उठते ही छींकते हैं तो सोचिए कि क्या शुभ होगा। अशुभ का अर्थ यही है कि आप यदि प्रातःकाल उठ करके छींकते हैं, इसका मतलब आपकी जो शरीर की स्थिति है वो ठीक नहीं है। जब सुबह उठ करके आपकी शारीरिक स्थिति ठीक ना हो तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आपकी मानसिक स्थिति भी मजबूत होना बहुत दुस्तर कार्य है। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, तो स्वस्थ मन में भी स्वस्थ शरीर रह सकता है, तो दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। कितना भी आपके अंदर मनोबल है, हालांकि मनोबल शरीर बल से बढ़कर के है, यदि मनोबल है तो शारीरिक व्याधियों को, प्रतिकूलताओं को और संघर्ष को आप सहन कर सकते हैं, उनका आप सामना कर सकते हैं। परंतु मनोबल के साथ में शरीर बल भी यदि हो, शरीर भी निरोग हो, तो कहना ही क्या, तो शरीर को निरोग करने के लिए कितनी भी भयानक आपको एलर्जी है, साइनस है, सैकड़ों तरह की एलर्जियां हैं, उसके लिए औषधियां नहीं हो सकती है, तो आप सिर्फ इस निर्गुंडी के सेवन से औषधि के रूप में यह निर्गुंडी आपके लिए संपूर्ण कार्य दे सकती है। निर्गुंडी के उन पत्तों को उबाल करके आप प्रातः सायं चाय की तरह से उसको आप पिए तो आप देखेंगे आपकी सब तरह की जो एलर्जी है, जो आपको साइनोसाइटिस की जो आपको प्रॉब्लम है, उसमें आपको 100% परिणाम मिल जाएगा, आप 100% इससे ठीक हो जाएंगे। तो जिनको सर्दी है, जुकाम है, कफ है, खांसी है, उन सबको आप निश्चिंतता से, निर्भयतापूर्ण ढंग से इसके प्रयोग के लिए आप सलाह दे सकते हैं और आप स्वयं भी प्रयोग कर सकते हैं।